हम सभी हिंदुओं के जहन में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान जी वाकई में बंदर थे या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। आज इसके बारे में कुछ बात करता हूँ मैं आपसे। हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म से के पूर्व ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से लग 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम था कपि। जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में ही कहा कि हनुमान जी बंदर थे, इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव अंगद आदि के नाम के साथ वानर, कपि, शंखामग्र आदि विशेषण पढ़कर उसके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पुच्छ, लांगुल, बांधली और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी उनकी सभी जगह सपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर होने जैसा सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमश और पुच्छधारी भी सतशः प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्रायः 6 इंच से के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एक मत से स्वीकार करते हैं, पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो गई है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता है, क्योंकि वे वानरों के कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपि स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। पंपा सरोवर अथवा पंपा सर होसपे तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम आने गुदी को रामायण कालीन किष्किंधा का माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है, जिसे राम भक्तनी सबरी के नाम से सबरी गुफा कहते हैं। इसके निकट सबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। हम्पी में ऋष्यमुख
कि राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बाली सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके मेरे को अवगत कराइएगा। साथ ही आप इस जानकारी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और जय हिंद दोस्तों।